सीएम योगी ने होली से पहले शुरू की 115 नई बसें, इनमें से 76 राजधानी बसें, यह हर जिले को लखनऊ से करेंगी कनेक्ट। मनीष सिसोदिया की रिमांड पर 6 मार्च तक बढ़ी जमानत अर्जी पर फैसला, 10 मार्च तक सुरक्षित, कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा जवाब। दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न, केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी कर सकती है खत्म। समित पात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समित पात्रा ने कहा भारत को राहुल गांधी एक राष्ट्र नहीं मानते। सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी, कड़ी सुरक्षा में विधायक को लाया गया कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी ने होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है, बसों में सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 115 बसों की सौगात दी है, जिनमें से 76 राजधानी बसें भी शामिल है। सीएम ने 5 कालिदास मार्ग से नई बसों को हरी झंडी दिखाई है, ये बसें सभी जिलों के लिए रवाना होंगी। इन बसों में खाना बुक करने की भी सुविधा होगी, इस दौरान कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए तो आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात दी है, 115 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जी नंदनी, ये बहुत बड़ा तोहफा है होली के त्योहार। ये तो बसों का तोहफा दिया है, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। सबसे पहली बात तो यह है कि राजधानी लखनऊ में पहुंचने के लिए जो यात्राओं को सुगम बनाने के लिए सेवाएं जो शुरू की गई हैं बस की, वो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई हैं। जो मुख्यालय तक जोड़ने के लिए जिन जिलों से गाड़ियां पहुंच नहीं पाती थी शहर की तरफ, लखनऊ की तरफ, उनके लिए बहुत बेहतरीन सेवा दी गई है परिवहन निगम की तरफ से। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर 5 कालिदास मार्ग यानी अपने आवास से किया है, और ये संदेश देते हुए कहा है कि होली की जिस तरीके से होली का त्योहार आया है तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को ये सौगात दी गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। सरकार ने नवयुवकों के रोजगार के लिए बड़ी घोषणा की। आपको बता दें कि सरकार ने 52,000 भर्तियों के लिए रोजगार महाकुंभ मेले की शुरुआत की है। कॉलवेन तालकुरदास कॉलेज में शुरू हो रहे 2 दिवसीय कौशल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। इस महोत्सव में 112 कंपनियों के प्रतिनिधि अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को कार्यक्रम का समापन करेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर में एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचे, महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में विधायक को कानपुर लाया गया। आपको बता दें कि शेषन कोर्ट में महिला का घर फूंकने के मामले में सपा विधायक पर आरोप तय होने हैं। इससे पहले भी इरफान सोलंकी पिछले 24 तारीख को पेश हुए थे, वहीं इससे पहले भी पिछली तारीख में प्रार्थना पत्र आने से आरोप तय नहीं हो सके थे। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने की वजह से तारीख में हेरफेर किया गया था। गोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इस योजना से वंचित हैं। आपको बता दें कि सरकार हर गरीब को पक्की छत मुहैया कराना चाहती है, लेकिन गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सिस्टम की लापरवाही के कारण आज भी गरीब पात्र लाभार्थी सरकारी अधिकारियों के यहाँ माथा टेक रहे हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी ही गरीबों का हक मानने लग जाए तो क्या होगा। जितने अपात्र लोग हैं उन्हें आवास दिया गया, हम खुद ही पात्र हैं, हमें आवास नहीं दिया गया। 2020 से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं,
जब हमने एप्लीकेशन दिया तो मेरे घर की जांच चिंगरिया ग्राम सभा में कराई गई। अभिषेक सिंह सेक्रेटरी थे, अभिषेक सिंह सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत से मेरे घर की जांच चिंगरिया जब कराई गई, हम फिर कहे तुम तो तुम्हारे घर की जांच हो गई है। उसके बाद 2023 में मैं लगातार एप्लीकेशन देता रहा, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक सबको एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक मेरे ग्राम सभा में कोई जाँच करने नहीं गया। अरे पात्र लोगों को आवास मिला नहीं, लगभग 80% लोग पात्र हैं, उन्हें आवास नहीं मिला। जितने अपात्र थे उनको आवास दे दिया गया। जिन कितने अपात्र हैं इनको आवास मिला होगा? लगभग ये मान के चलिए 52 में 38 39 लगभग अपात्र हैं जिनको आवास दिया गया। जिनके पास छुपहिया गाड़ियां, सरकारी एम्प्लाई, 50 लाख रुपए का मकान होगा, उन्हें आवास दिया गया है। नहीं, आवास का तो भ्रष्टाचार है ही, साथ साथ काली सड़क पे इंटरलॉकिंग लगवाई जा रही है हमारे ग्राम सभा में। हमारे ग्राम सभा में नाम कहीं अलग सड़क का है और काम कहीं अलग हो रहा है। प्रधान के पुत्र को 3 आवास दिया गया, प्रधान कोई दूसरा है, उसके प्रतिनिधि को आवास दिया गया, उनके भतीजे को प्रधान रामचरण यादव जी हैं और प्रधान प्रतिनिधि कर रहे हैं बुधेराज सिंह। हाँ, ग्राम पंचायत भवमा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिया गया है, कुछ शिकायतें हमको प्राप्त हुई हैं और शिकायतें आई हैं हमारे पास, लिखित रूप में दिया गया है, उसको शिकायतें हमने ले लिया है। उसके बाद मैं उसको अपने स्तर से मैं जांच करवा रहा हूँ, जांच करवाने के बाद आपको सूचना दी जाएगी। सर जाँच किसको मिली है? जाँच हम विकासखंड को दी गई है आपके द्वारा जी, आप अपने स्तर से हम जाँच करा रहे हैं उसको। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुजीब आलम जुड़ेंगे। मुजीब, देखा जाए तो कहीं ना कहीं गरीबों का हक मारा जा रहा है, पीएम आवास योजना से उन्हें दूर रखा गया। तहसील के अंतर्गत ये मामला है, वहाँ पे जहाँ पे जाइए आप, इस तरीके से तमाम तरीके से लोग पैसे का भी आरोप लगाते हैं। जिस तरीके से इन लोगों को एक तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, पन्नी बिछा के रह रहे, कच्चे मकानों में जिस तरीके से रह रहे, पानी बरसात में इन लोगों के ऊपर काफी कठिनाइयां होती, लेकिन इन लोगों का कहना कि जब भी जाते हैं तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, तो कहीं या तो कहीं पे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे की वजह से नहीं होता, और यहाँ पे आकर के पूरे गोंडे में लोग रिपोर्ट देते हैं कि 100% सबको घर मिल चुका है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुजीब। अलीगढ़ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक ओर जहां सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है, इसके साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे शिक्षक जब ऐसी हरकत करें तो कैसा लगेगा। यहां शिक्षा प्राप्त करने आए बच्चों से शिक्षक पढ़ाई की जगह मजदूरी कराते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मासूम बच्चे जब की जगह झाड़ू लगाएंगे तो आने वाला भविष्य क्या होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में संबंधित संबित पात्रा ने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने भारत में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक का जिक्र करके पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। संबित पात्रा ने कहा, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। अपनी इस बात पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत को राहुल गांधी एक राष्ट्र नहीं मानते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाकर कह रहे कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने होटल मालिक पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि होटल मालिक को 5 अज्ञात ने मिलकर बेरहमी से पीटा। होटल मालिक को घायल अवस्था में CSC में भर्ती कराया गया। होटल मालिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं अपने होटल पर था, के सब पे पहले 3 लोग आते हैं, अंदर जाते हैं, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें जानता था। कौन सा एरिया कहलाता है ये? खैर भाई पास अलीगढ़ है, थाना रोरावर। क्या वारदात है पूरी? जब मैं यहाँ से, मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैं यहाँ से निकलने के लिए जा रहा था, स्कूटी स्टार्ट करी, जब एक बंदा आता है पीछे सिर में कुछ चोट मारता है मेरे,
मैं स्कूटी से गिर जाता हूँ। फिर उसके बाद में जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें 3-4 लोग 5 लोग मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? कोई विवाद था आपका, आप जानते हैं? नहीं, कोई विवाद नहीं था। विवाद नहीं है ना, ये पता नहीं क्या मामला था। तो किस किस लोगों ने मारा था? जो जब मैंने वीडियो में देखा तो पहले तो अतुल ठाकुर ने पीछे से मेरे शरीर में कुछ चोट मारी। एक वो था जो है तुम्हारे कपिल ठाकुर, एक विवेक और एक विशाल पंडित और एक नीशु पंडित। कब का वारदात है ये? बात है 28 तारीख की रात लगभग 11:30 बजे। एक सोनू 28 तारीख की रात की बात। हाँ जी जी। पुलिस आई थी? पुलिस को? हाँ, पुलिस फोन नंबर कॉल किया था, पुलिस आई थी। तो यहाँ से मुझे बेहोशी हालत में वो ले गए थे। डॉक्टर हुई? हाँ, डॉक्टर हुई थी। यहाँ से फिर डाँ से थाने से मलखान सिंह ले गए थे, वहाँ पर डॉक्टर हुई थी। वहाँ से फिर जो है मेडिकल के लिए रेफर कर दिया था। खबर औरैया से है, पीएम मोदी से मिलने के लिए एक युवक 16 फरवरी से यात्रा पे निकल चुका है। मन में एक आस लगाए कि पीएम मोदी से मिलने का, युवक का नाम फूलचंद लखरा बताया जा रहा है। युवक का कहना है कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लाखों करोड़ों में से एक हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में भी उनका नाम हो रहा है। बस्ती में होली से पहले पुलिस अलर्ट हो गई है। एसडीएम सदर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। टीम की छापेमारी से दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग चुके हैं। गाजियाबाद में तहसील संबुर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिनमें प्राप्त हुई 77 शिकायतों में से महज 5 का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका। ज्यादातर शिकायतें जमीन के विवाद से संबंधित प्राप्त हुई, जिनके जल्द ही निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया है। ये आयोजन जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हरदोई में 84 कोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालु की करंट लगने से मौत हो गई। श्रद्धालु कपड़े सुखाने के लिए बस की छत पर चढ़ा था, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हो गया था। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक बस में कुछ श्रद्धालु सिकंदरपुर गाँव है, थाना हरैया बलरामपुर के थे, करीब 50 से ऊपर ही लोग रहे होंगे। ये हत्याहरण तीर्थ पे आए थे, जो बेनीगंज थाना में पड़ता है, वहाँ पे स्नान करने। बस खड़ी करके स्नान कर रहे थे और बस जो है हाई टेंशन 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन है, उसके नीचे खड़ी थी। एक श्रद्धालु वहाँ जाके कपड़ा फैलाने के लिए जैसे कपड़ा ऊपर किए और उसके चपेट में आके वो झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली गई है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हरदोई में राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर राशन को ब्लैक करने का आरोप लगा है, जिसमें उसके बेटे ने शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता और मारपीट की है। कई बार राशन पकड़ने के बावजूद अधिकारियों पर कार्यकर्ती को बचाने का आरोप है। वहीं जब शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रणी त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण पर कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं अलीगंज में प्राधिकरण की नियोजित भूमि से अवैध कब्जे की जमीन को प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने की पुलिस के सहयोग से कब्जा मुक्त कराया गया।
रायबरेली में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। पुलिस की लचर कार्यशैली से जिले में अपराधों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक लगातार अज्ञात शवों से मिलने का सिलसिला जारी है। लोगों में लाशों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शव से बदबू आने के कारण स्थानीय लोगों को जानकारी हुई। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच में जुट गई है। यहाँ में मालूम जी नहीं कुछ क्या हुआ, मतलब यहाँ जो विजयचंद साहू दुकान का मेरा दुकान है, अभी ये भाई साहब गए थे हमसे पूछे लगे तो हम कहा हमें मालूम नहीं भाई। हम लोग अभी क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ सभी लोग देख रहे हैं कि लाश पड़ी हुई है। अच्छा, लाश हो गई, किसकी है पता नहीं चल रहा? कोई पता नहीं चल रहा। क्या लगता है कितने दिन से होगी लाश? अभी तो नहीं मालूम भाई, कितने से बदबू कर रहा, गंधाए रहा, लगता है 3-4 दिन का है। लगता तो वही है। रायबरेली में स्कूली वाहन को शराब पीकर चला रहे चालक समेत स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि चालक दारू के नशे में चूर होकर वाहन चला रहा था। ये बच्चे को लेने आए थे और हम बिठाने आए थे बच्चे को। जी जी। तो जब इसको बिठाने लगे और देखा इनको, ये गाड़ी मोड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी मोड़ नहीं पाए तो बच्चों को हमने उतार लिया और जो बच्चे थे उनको भी उतारवा लिया गया। और उसके बाद गाड़ी इतनी तेजी से भगाए, फिर यहाँ सर्विस को फोन किया गया। अच्छा। गाड़ी आगे रुकवा लो आप। जी जी। फिर उन्होंने गाड़ी रुकवाया है। जब गाड़ी रुकवाने के बाद फिर इनकी कंडीशन देखी गई तो इतना ज्यादा पिए हैं ये कि गियर नहीं डाल पा रहे थे, गियर की जगह ब्रेक दाब रहे हैं। अच्छा अच्छा। और स्टेयरिंग इधर से उधर नहीं कर पाए, फिर ये गाड़ी दूसरे ड्राइवर को बुलवा के साइड में खड़ा करवाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद से इसी गाड़ी में लेटे हुए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।